नमस्कार, के नाइन मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज के हमारे सियासी मंथन में हम चर्चा करेंगे किस तरह से लोकसभा को विपक्ष जीत पाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी फिर से धमाकेदार अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही तैयारी है, उतनी ही तैयारी के मोड में है? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है प्रमोद शर्मा जी। सर, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी तो धमाकेदार तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, उसने अपने कॉल सेंटर बना दिए हैं, अलग अलग तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या लगता है विपक्ष या फिर कहें कि कांग्रेस या अन्य कोई भी दल है, कितने तैयार हैं? देखिए अरुण भाई, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि हम लोग पूरे 5 साल चुनाव मोड में रहते हैं। आज चुनाव जीतने के बाद हम कल से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, तो उनकी बात में लोग सच्चाई लग रही है। कांग्रेस कभी भी चुनाव जो है एक्टिव मोड में नहीं लड़ती। कांग्रेस की टिकटें भी कई बार क्या होता है कि चुनाव वाली, जैसे आज चुनाव की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो उस रात तक भी जो है टिकटें डिक्लेयर होती हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा, बड़ौदा उपचुनाव की टिकट तो दोपहर 12 बजे तक ही फाइनल हो पाई थी। मतलब कांग्रेस में हमेशा से ये रहा कि इलेक्शन को जो है इलेक्शन के हिसाब से नहीं लड़ते और पुराने पैटर्न पर ही चुनाव लड़ते हैं। आजकल पार्टियां और चुनाव कॉर्पोरेट तरीके से लड़ा जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल भी यही मार खा गई है। आज भी जो है वो पुराने पैटर्न पर ही काम कर रही है। हालांकि जजपा इस मामले में और उससे अलग है। जनक जनता पार्टी ने जरूर जो अपने आप को नए तरीके में ढाला है, नए साचे में डालने की कोशिश की है, लेकिन उसका इतना विरोध हो गया है कि उनका यह जो सिस्टम जो चल नहीं पा रहा है। मायावती भी पुराने रूटीन में चली हुई है, उसके वही 4 से 3% 4% वोट जो फिक्स है, हर लोकसभा में आता ही आता है। पिछले 2014 के चुनाव में उसको 4.5% वोट मिला था, पिछली बार 3.5% वोट मिला था, उससे पहले 9 उसको अच्छी ज्यादा जब वो ज्यादा वोट मिला था, तो वो अपने इसी वोट पैटर्न को बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तैयारी शुरू की है, वो भी कोरोटे तरीके चली हुई है, लेकिन अभी हरियाणा के लोगों ने उसको भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब लोकसभा के चुनाव की जहां तक बात है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बालाकोट जो प्रकरण हुआ और जो ध्रुवीकरण हुआ उसका बड़ा फायदा हुआ उसको। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो दो टुकड़ों में बट गई थी उसका फायदा हुआ। तो 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटें बहुत बड़ी भारी मार्जिन से जीती। 9 सीटों पर तो उसकी जीत जो 1 लाख से ऊपर थी। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,64,000 से हारे थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 7,503 वोटों से हारे थे, वरना सारे बड़े दिग्गज नेता 3 और 4 लाख से हारे थे। चाहे वो कुमारी शैलजा थी, चाहे वो श्रुति चौधरी थी, चाहे वो निर्मल सिंह थे। और कमाल की बात तो ये है अरुण भाई कि इंडिया की टॉप 3 जो बड़ी जीत थी वो भारत, उनमें से 2 बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा मिली थी। हरियाणा में, यानी कांग्रेस जो है सबसे बड़े मार्जिन से जो 2 सीट आ रही थी वो हरियाणा में थी। 6,56,000 वोटों से चुनाव आ रहे थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, 6,54,000 वोटों से आ रहे थे पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना। तो इतना भारी मार्जिन था कि भाजपा को वोट मिले थे 58% और कांग्रेस को वोट मिले थे 28.5%, यानी डबल से भी ज्यादा वोट थे। इतने वोट जो है कांग्रेस उम्मीदवारों को नहीं आए थे जिसे ज्यादा से वो चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। और जननायक जनता पार्टी नई नवेली पार्टी थी, उसको केवल जो है 4.9 यानी 5% वोट मिले थे। मायावती को जो है पिछले चुनाव में 3.6% वोट मिले थे और इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1.9 केवल 2,40,000 वोट ही मिले थे। मायावती जो अच्छे वोट को पिछली बार से मेंटेन कर गई थी और लोकदल का बुरा हाल हो गया था। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 0.5% वोट भी नहीं आया था, और अन्य निर्दलीय को लगभग जो है 0.5% वोट आया था। नोटा को भी जो थोड़े से आधे से कम परसेंट वोट आया था। हालांकि पिछले आंकड़े अलग होते हैं, इस बार अलग समीकरण होते हैं, लेकिन इस बार भी ऐसे लग रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल का अब आना जो है बहुत ही कम विकल्प रह गया है। मुझे लगता है कि अब तो नगण्य ही कंडीशन होगी कि वो इंडियन नेशनल लोकदल जो है इंडिया गठबंधन में आएगी। और आम आदमी पार्टी इतना बड़ा जनाधार हरियाणा में है नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर ने 5 सीटें मांग ली, तो जिस तरह से हर स्टेट में जो है बड़ा झगड़ा चला हुआ है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना कि हम सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को सीट दे पाएगी।
और सबसे बड़ा जो 3.5% वोट बैंक जो मायावती का वोट बैंक वो सबसे ज्यादा जो नुकसान करेगा वो कांग्रेस को। प्रदेश में 10% जो 9.97% हरिजन मतदाता है उसमें से लगभग 30% मतदाता आज भी मायावती का पेट वोट बैंक है। चाहे बेसिक कांग्रेस ने पिछले 3 बार 4 बार से अपना प्रदेश अध्यक्ष चमार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो फूलचंद मौलाना जी हैं, अशोक तंवर जी थे, कुमारी शैलजा थी, उदयभान जी, लेकिन फिर भी जो है मायावती का वोट बैंक टूट नहीं रहा। 10% में से आप ये मान के चलिए कि 30% वोट जो है हरिजनों का, चमारों का, परमानेंट जो है वो मायावती का है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात है अरुण भाई वो ये है कि अगर गठबंधन नहीं होता चारों पार्टियों का तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा में लोकसभा में आज भी जो भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी मार्जिन से कई सीटें जीत रही है, केवल 2 या 3 सीटों पर मुकाबला होगा। एक बात तो आप मान के चलिए अगर इंडियन नेशनल लोकदल, मायावती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चारों मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो 7 सीटें जीत रही हैं। केवल 3 सीटें ऐसी हैं करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव जहां बीजेपी जीत सकती है। हालांकि गुड़गांव में रविंद्र जीत का पर्सनल वोट बैंक है और पिछली बार ध्रुवीकरण होने के कारण हो सकता है भाजपा को फायदा हो। अगर राव दान सिंह उम्मीदवार होता तो भी वह बड़ी मुश्किल से कांग्रेस, बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत पाती। कांग्रेस जो है इस सीट को भी ले सकती है। फरीदाबाद की जहां तक बात है, फरीदाबाद में पिछली बार बहुत बड़े भारी मार्जिन से 6,44,000 से जीते कृष्णपाल गुर्जर जी। इस बार अगर अलग गठबंधन हो ही नहीं रहा है, सारे मिलकर लड़ते तो चुनाव जो है 1 लाख तक आ जाता। फिर गुड़गांव में जो है चुनाव 1,00,000 से 50,000 की, 50,000 से 1,00,000 के बीच जाता, और करनाल में चुनाव जो 50,000 से 1,00,000 के बीच में आ जाता, तो 3 सीट 3 लाख के आसपास बीजेपी जीत पाती अगर गठबंधन हो जाता तो। और हिसार सीट को जो है हालांकि कांग्रेस पिछले 3 चुनाव लगातार जमान जब्त हो चुकी है कांग्रेस के हिसार में, लेकिन इस बार अगर सारे दल मिलते तो हिसार सीट भी गठबंधन जीत सकता था। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गठबंधन में चारों पार्टियां मिलकर लड़े तो 7 सीटों का जीतना तय है, केवल 3 सीटें ही हार सकते हैं। अब अलग अलग लड़े तो समीकरण जो बिल्कुल अलग रहेंगे। अलग अलग लड़ने पर 3 सीटों तो बीजेपी गठबंधन के कारण भी ना तो जीती रही है। अब अगली जो 7 सीटें बची, हिसार में कांग्रेस की जीतने के चांस फिर नहीं बन पा रहे क्योंकि 3 बार जमाना जब्त है, वोट बैंक जो है बिल्कुल कम रहा है। और हिसार के साथ आप पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े थे, 4 उम्मीदवार तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। निर्मल सिंह आम आदमी में चले गए हैं, भुवे बिश्नोई जो है आज भाजपा से विधायक है, अवतार सिंह बडाना जो है कांग्रेस से छूट चुके हैं और आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं, और चौथे जो उम्मीदवार हैं जो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इस बार चुनाव छूट चुके हैं वो है अशोक तंवर, वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। तो 4 सीटों पर तो उम्मीदवार ही भाग गए और आज भी कांग्रेस के पास सभी 10 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं। कुमारी शैलजा अंबाला और अंबाला और सिरसा में जो कन्फ्यूजन में कहां से चुनाव लड़ू, नवीन जिंदल कुशेत्र में, नवीन जिंदल पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, चुनाव वो चुनाव हार गए थे। इस बार ही बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल जो है कांग्रेस की बजाय भाजपा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर नवीन जिंदल साहब चुनाव नहीं लड़ते तो फिर कांग्रेस पास और मजबूत कुरुक्षेत्र में भी नहीं रहा। करनाल एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मार्जिन से हार हुई थी, आज कांग्रेस के पास करनाल में कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं। वीरेंद्र राठौड़ राष्ट्रीय सचिव, उनके बारे में कहा जा रहा है वो कहते हैं मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता को बोलते हैं वो कहते हैं मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू का नाम भी जो पार्टी हाईकमान चला रहा है, लेकिन उनकी भी इच्छा जो है लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ना, मतलब कांग्रेस के पास आज करनाल में कोई उम्मीदवार ही नहीं। सोनीपत में जरूर कांग्रेस की कंडीशन अच्छी है, लेकिन हमारे सैंपल पिछली बार 4% वोटों से बीजेपी से कांग्रेस पीछे थी। अगर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी सोनीपत को जीतना है तो उम्मीदवार कम से कम कोशिश करनी होगी जींद से उम्मीदवार बिलोंग हो और नॉन जाट उम्मीदवार। कारण क्या है कि भूपेंद्र हुड्डा से मजबूत उम्मीदवार हो नहीं सकता जाट समुदाय में, वो भी 1,14,000 से चुनाव हार गए थे और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो पिछले दिनों हमारे कई कांग्रेस के नेताओं से हमारे संपर्क थे, उनसे हमारी बातचीत, बहुत लोगों से बातचीत हुई तो कैसा उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश की जो चुनाव को निकाल सकता। तो मेरे ख्याल से जो हमने सर्वे किया, जयराम आश्रम जो कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है और दिल्ली में जिसका आश्रम है, जयराम आश्रम के ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी पुराने कांग्रेसी हैं, हरिद्वार से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी अपनी यात्रा के बाद दिल्ली उनके आश्रम में गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी। उनकी जो पिछले दिनों खड़गे साहब से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था तो बड़े क्लोज कांग्रेसी हैं, गांधी पुराने बड़े नजदीक है, भूपेंद्र हुड्डा के भी दोस्त हैं। हमारे हिसाब से अगर ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी को टिकट दी जाती है, इगरा गांव के निवासी मूल निवासी जुलान विधानसभा पड़ता है, जिस विधि उनका प्रभाव जींद में प्रभाव है, तो जींद की 3 सीटों में पिछली बार जो है मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,00,000 से ज्यादा चुनाव वोटों से चुनाव हारे थे, वो इस मार्जिन को
कवर कर सकते पलट सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और उनको जो ब्राह्मण समुदाय में जो ब्राह्मण जो वोट बैंक 12% के आसपास जो वोट बैंक है ब्राह्मण और त्यागी मिलाकर यहाँ 12.2% जो वोट बैंक है सोनीपत लोकसभा में, तो उसमें जो एक बड़ा हिस्सा वो ले सकते हैं। वो चाहे उम्मीदवार कांग्रेस रमेश खोस जी को उतारे, योगेश्वर दत्त को उतारे, या मोहनलाल बड़ोली को उतारे, किसी ब्राह्मण को उतारेगी तो उसके मिनिस्टर जो है कम से कम 40% वोट बैंक वो ब्राह्मणों का ले सकते हैं। और उनके साथ जो है जो जाट वोट बैंक है वो जरूर कांग्रेस से जुड़ा ही हुआ है और उसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड उनकी अच्छी पैठ है। तो हमारे हिसाब से वो चुनाव को जरूर जो है 50,000 प्लस से चुनाव जीत सकते हैं अगर कांग्रेस उसको उम्मीदवार बनाती है तो। और कोई ब्राह्मण चाहे तो कुलदीप शर्मा है या कोई भी ब्राह्मण नेता है इतना फिट नहीं हो पा रहा है, इतना प्रभाव नहीं है क्योंकि किसी नए ब्राह्मण चेहरे को उतारने पड़ेगा जिसके समुदाय में भी वोट हो और जो जो है आम आदमी को अटैच करे और जो जिसके ऊपर जो है ज्यादा जो है जाति पाति का ठप्पाना हो, जिसको जाट वोट बैंक अच्छी तरह जो हो उसके और बैकग्राउंड में जिसका प्रभाव हो। तो मुझे लगता है कि अगर ब्रह्मपुर चारों टिकट मिलती है, हुड्डा साहब उन्हें चुनाव के लिए मना लेते हैं और हाईकमान को आदेश मिलता है तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक अगर चुनाव लड़ा तो कन्फर्म ये चुनाव सोनीपत से कांग्रेस जीत सकती है। अगर और कोई उम्मीदवार आया तो मुझे लगता है कि बीजेपी मेरी सीट को भी जो है कांग्रेस दोबारा जो है छीन लेगी। रोहतक जो लोकसभा है वो आज के दिन कन्फर्म जो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। आज के दिन हमारे सैंपल के हिसाब से पिछले दिन हमने बताया 8% की हार थी, मतलब 1,00,000 की हार थी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से दीपेंद्र हुड्डा लड़ते हैं तो अब जगदीश यादव गाने से और भी हार बढ़ गई है, तो 1,00,000 प्लस की पक्की जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं तो उनकी जीत पक्की है। दीपेंद्र हुड्डा अगर लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की है। आशा हुड्डा लड़ती हैं या दीपेंद्र की मिसिज लड़ती हैं तो भी जीत जो है 70-80,000 तक चली जाएगी, यानी जीत तय है हुड्डा परिवार की। कोई भी चुनाव लड़े हुड्डा परिवार से, आशा हुड्डा, श्रीमती दीपेंद्र हुड्डा या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या खुद दीपेंद्र हुड्डा, चारों में से कोई लड़ता है तो जीत जो है 1,00,000 के आसपास रहेगी। और ये सीट कांग्रेस की झोली में पक्की आई हुई है, कोई बहुत बड़ा उलफेर नहीं होता। तो जहाँ तक भिवानी की बात है, भिवानी में अगर विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ता तो जरूर ये सीट कांग्रेस की झोली में पड़ती। अब भिवानी में दो बड़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि किरण चौधरी हर हाल में अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहती है, शुरू थी पिछले और 4,00,000 ज़्यादा वोटों से चुनाव हारी थी। और यहाँ दूसरे बड़े उम्मीदवार रावदान सिंह और राव बहादुर सिंह, अगर रावदान सिंह चुनाव लड़ते हैं अब ये तो तय कि अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस, तो यहां फिर जो है 1,00,000 के आसपास आज बीजेपी जीती हुई है। हालांकि अगर सभी विपक्षी चारों पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो यहां से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक सीट मांग रही तो भिवानी को मांग सकती है और केजरीवाल साहब का शिवानी भी सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। केजरीवाल साहब की इच्छा कि वो भिवानी से लड़े। ज्यादा बड़ी जो है नॉन जाट सीट है, 24% जाट मतदाता है, 75% नॉन जाट है, बनियों का अच्छा प्रभाव है, यादव बेल्ट है और केजरीवाल साहब यहाँ से चुनाव कांग्रेस की मदद से लोकदल की मदद से मायावती से चुनाव जीतने में शायद सक्षम है। वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर और भी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गठबंधन इकट्ठा हो पाएगा। तो ये सीटी भाजपा की झोली में जा रही है। हिसार की बात है, हिसार में अगर कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ता तो कन्फर्म चुनाव जीत रहा है। अब वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कि वो छोड़ सकते हैं पार्टी, कंफ्यूजन है। हाँ, दीपेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह के बाद ये लग रहा है कि भाई ब्रजेंद्र सिंह तो फिर अपने फादर के साथ ही जाएंगे। अगर ये सीट जजपा के खाते में आई तो कांग्रेस जरूर कड़ा मुकाबला कर सकती है। अगर बीजेपी लड़ी तो फिर ये बीजेपी की झोली में जा सकती है। सिरसा में जरूर जो कांग्रेस विपक्ष मजबूत है, अभय सिंह चौटाला की यहाँ 1,00,000 से ज्यादा वोटें हैं, दुष्यंत की भी जो 60-70,000 वोटें आ रही हैं। अगर चुनाव अलग अलग लड़ा तो फिर जो है यहाँ बीजेपी हारती हुई भी फिर एक बार सीट को जीत रही है। फरीदाबाद गुड़गांव में कहा वैसे बीजेपी मजबूत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ इसमें कई गलतियां हुई। मैं अभय सिंह चौटाला जी के साथ मैंने 2.5 साल काम के एडवाइजर के रूप में, तो उनसे भी गलतियां हुई। अगर अभय सिंह चौटाला, हालांकि आज हम लोग इंडिपेंडेंट काम करें, किसी नेता से हमारा लेना देना नहीं है, तो अगर अभय सिंह चौटाला 23 जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें शामिल हो जाते नीतीश कुमार के साथ तो इंडिया गठबंधन का वो सदस्य होते पक्के। और कमाल की बात है जो 14 सदस्य से कमेटी बनी है उसमें वो मेंबर भी होते, 15 मेंबर होते। कांग्रेस का केवल एक मेंबर होता और एक मेंबर अभय सिंह भी होता, तो आराम से अपनी 2 सीटें मांगते। हालांकि उनकी इच्छा जो है सिरसा और कुरुक्षेत्र मांगने की थी, लेकिन अगर नवीन जिंदल आता तो हिसार सीट भी मांग सकते थे और हिसार सीट कांग्रेस दे भी सकते थे क्योंकि पिछले 4 चुनाव से वो 3rd नंबर पर रही हुई है। हालांकि आज के बेस वोट से तो इन्हें लोगों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अभय सिंह चौटाला कहना कि कोई भी चुनाव लड़ने से पहले हम पिछले 3 चुनाव का बेस लेंगे, 2014 और 2019 का लोकसभा विधानसभा का, तो जो पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं आप चारों का बेस कर लीजिए जो ठीक बनता है हम उसके हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि 2014 में इन्हें लोगों को कांग्रेस से 2% ज्यादा लोकसभा मिली थी और विधायक भी उसके ज्यादा आए थे, लेकिन अब पार्टी टूट की 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। यही थ्योरी जो है आज महाराष्ट्र में लगती है, शरद पवार की पार्टी 2 टुकड़ों में है,
ठाकरे साहब उद्धव की पार्टी दो टुकड़ों में, लेकिन फिर भी आज वो कांग्रेस को अपनी वही पुरानी सीटें मांग रहे हैं। मतलब अगर गठबंधन हुआ तो फॉर्मूला चल जाता, कुछ ना कुछ वो फायदे में रहते, फिर एक सीट में मायावती मान जाती, एक सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाती, दो सीट नवाज सिंह को मिल जाती, छह भी कांग्रेस लड़ती, तो सभी पार्टियां फायदे में रहती और कम से कम 7 सीटें विपक्ष पक्का जीतता। लेकिन आज जो मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता की भी इच्छा यही है, लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे, लेकिन ये लोग आपसी मतलब और आपसी उसमें, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि अगर अभय सिंह से उनकी पार्टी तालमेल कर लेती है तो ध्रुवीकरण हो सकता है, फिर उन्हें जाट मनजाट का फिर नारा उछल सकता है। उनका कहना कि हमने माहौल बनाया है, आज माहौल मुद्दों पर है, अगर अभय सिंह हमारे साथ आते हैं तो मुद्दा ध्रुवीकरण पर, जाट और मनजाट पर हो जाएगा, और उनको लगता है कि उनकी पार्टी मजबूत है, चुनाव लड़ने में सक्षम, इसलिए गठबंधन नहीं चाहते। और मायावती जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से डरी हुई है और आज वो अलग तीसरे मोर्चे की ओर है, हालांकि पिछले दिनों बातचीत चली थी कि मायावती अकाली दल के साथ चाहती कि इंडियन लॉ भी जो है तीसरे फ्रंट में आए, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अगर चीजें नहीं बनी इंडिया गठबंधन की तो तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस गठबंधन को होगा। तीसरे मोर्चे में ओवैसी साहब, आपके चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, अब तो सुखबीर सिंह बादल, अभय सिंह चौटाला, मायावती, कई दल मिलकर जो है एक थर्ड फंड भी तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपके जो है बीपीआर के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो एक और गठबंधन तीसरा मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सरेआम जो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। खासकर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा मुझे लग रहा है कि अगर गठबंधन विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता है तो 7 सीटें जीतता है, और अलग अलग लड़ता है तो केवल कांग्रेस जो है मैक्सिमम 2 सीट जीत सकती है। एक बार फिर 8 सीट भाजपा की झोली में जा रही है, तो अब तो चुनाव में जो है ज्यादा देर नहीं होती, और आखिरी समय में भी चुनाव में कोई परिणाम बदला जा सकता है। कहते क्रिकेट की आखिरी गेंद और राजनीति की चुनाव की आखिरी रात कुछ भी जो है उथल पुथल हो सकता है। लेकिन आज के दिन जो मैं कह रहा हूँ, आज हमने जो सर्वे सैंपल किया, पिछले दिन हमारे साथी ने जो एक एजेंसी है टाइम्स नाउ की टीवी, उन्होंने भी एक सर्वे किया था, उसमें भी जो है बीजेपी 7 से 8 सीटें जीती और कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीती हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष एक नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ और सबने अलग अलग चुनाव लड़ा, तो एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है, और वो 58% उसका वोट बैंक बेशक जो है गिर कर 45-46% आ जाए, लेकिन आज भी जो है मोदी साहब का प्रदेश में लोगों में प्रभाव है। पिछले दिन हमने एक सर्वे किया था कुरुक्षेत्र लोकसभा का, तो उसमें जो है मोदी की पॉपुलरिटी 49% थी, 49% लोग मोदी जी को पसंद करते थे और राहुल गांधी जी को 23% पसंद करते थे। और कमाल की बात यह कि वहां नवीन जिंदल जैसे मौजूद उम्मीदवार को भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 5 से 6% चुनाव हरा रहा था। तो इसके हिसाब से फाइनल है कि अगर गठबंधन इकट्ठा नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान होना तय। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये तो था विश्लेषण हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों का। जिस तरह से हमने बात की कि विपक्ष जो है वो अगर एकजुट नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने की, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन एक साथ आता है और बराबर सीटों का बंटवारा हो के चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे दे सकते हैं। लगातार खबरों के अपडेट के लिए देखते रहें KNN मीडिया।